बचपन की दो फ्रेंड्स को एक ही लड़के से प्यार हुआ, क्या अब इनकी दोस्ती रहेगी, अब आगे क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है सोलमेट, जिसे डायरेक्ट किया है क्वैक चिंग सेंग ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 7.4 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एनसेन नाम की बंदी को देखते हैं। एनसेन के फ्रेंड जुलाई ने एक नॉवेल लिखी थी, इस पर एक प्रोडक्शन कंपनी मूवी बनाने वाली है। वो जुलाई को ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसी वजह से वो एनसेन से कॉन्टैक्ट करते हैं। एनसेन कहती है जिस लड़की के बारे में बुक में लिखा हुआ है वो मैं नहीं हूँ, वो झूठ कह रही थी। इसके बाद जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तब उसका फ्रेंड जियामिंग उसे मिलता है। ये लास्ट टाइम जब मिले थे तब एनसेन की शादी होने वाली थी, फिर अब वो उसे बताती है अब मेरा ब्रेकअप हो गया है। वो उससे और भी बातें करना चाहता था लेकिन एनसेन उसे इग्नोर कर देती है। जियामिंग ने अपना नंबर उसे दे दिया। इसके बाद घर आकर वो जुलाई के नोवेल को पढ़ना स्टार्ट करती है और हमें इनके बचपन की स्टोरी पता चलती है। बचपन में एक बार एनसेन अपने स्कूल में गिलहरी लेकर आई थी लेकिन वो उसके पॉकेट से नीचे गिर गई और जुलाई के पास पहुंच गई। इसी मोमेंट के साथ इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। ये गिलहरी लाने के लिए सबको स्कूल में पनिश किया जाता है, फिर ये दोनों जाकर बिल्डिंग का फायर अलार्म बजा देती हैं। फिर इस तरीके से मिसयूज़ करते हुए इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई थी। जुलाई हमेशा एनसेन को घर लेकर आती थी क्योंकि एनसेन के फादर नहीं हैं। ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे तो एक साथ नहाते भी थे। जुलाई की मदर को पता नहीं था कि एनसेन के फादर नहीं हैं। ये सुनकर जुलाई की मदर को बहुत बुरा लगता है। एनसेन की मदर हमेशा अपनी बिजनेस ट्रिप के चलते उससे दूर रहती है, वो अपनी मदर को इतना पसंद नहीं करती। इसके बाद जुलाई की मदर ने एनसेन को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था। एक दिन स्कूल में एनसेन को लेने के लिए उसकी मदर आई लेकिन वो उससे दूर दूर भागती है। उसकी मदर हमेशा दूर रहती थी इसलिए वो उस पर अपसेट थी। उसकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हों लेकिन वो जब वो जुलाई के साथ होती थी तो बहुत इंजॉय करती थी। इन्होंने कहीं पढ़ा था अगर ये एक दूसरे की शैडो में स्टेप करेंगे तो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। इसके बाद काफ़ी सारे साल बीत गए। जुलाई को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला। एनसेन को स्टडी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो स्कूल करने के बाद जॉब करने लगती है। इनकी फ्रेंडशिप अभी भी पहले की तरह गहरी थी। ये अलग अलग प्लेसेस पर घूमते हैं, अगर कोई प्लेस बंद हो तो डायरेक्टली उसके अंदर घुस जाते थे लेकिन कोई भी चोरी नहीं करते थे। जो भी चीज़ें लेते थे वो उसके पैसे पे कर देते थे। जुलाई की फैमिली भी एनसेन के साथ बहुत ही कंफर्टेबल थी। ये सब लोग एक ही फैमिली की तरह लगते थे। जुलाई की मदर को लगता है एनसेन का सिर्फ लक खराब है, इसकी वजह से उसकी लाइफ इस तरह से है। ये बात एनसेन को ज़रा सही नहीं लगती। आज रात ये दोनों एनसेन के यहाँ सोने के लिए आए होते हैं। सोते हुए एनसेन अपना ड्रीम बताती है कि उसे बहुत ही रिच बनना है, उसके पास सब कुछ होगा और उसकी लाइफ परफेक्ट होगी। यहाँ पर बातों बातों में जुलाई कहती है उसे एक लड़का बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद एनसेन उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी जिससे उसका दिल ना टूटे। अगले दिन वो डायरेक्टली उस लड़के को ढूंढती है। इस लड़के का नाम जियामिंग है, ये बहुत ही हैंडसम था। फिर एनसेन उसके पास जाती है और कहती है तुम हैंडसम हो, बहुत सारी लड़कियां तुम्हें भाव देती होंगी, मेरे फ्रेंड को तुम पसंद आए हो, उसे मना मत करना। ये एक तरीके से उसे वार्निंग दे रही थी। जियामिंग इस बात से इंटिक्ट हो गया, जहां भी वो जा रही थी वो उसका पीछा कर रहा था। फिर फाइनली एनसेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर आज के दिन जियामिंग से लाइब्रेरी में जुलाई मिलती है। ये एग्ज़ाम में एक दूसरे के आगे पीछे बैठते थे, वो उसके रिलेटेड थोड़ा डिस्कस करते हैं। जुलाई को एक बुक नहीं मिल रही तो जियामिंग ने उसकी ढूंढने में हेल्प कर दी। जुलाई उसके पास आई और उसके गाल पर किस करती है। इसके बाद ये दोनों कपल बन गए थे। जुलाई जियामिंग की भी शेडो में चलती है जिससे वो उसके साथ रह सके। एक दिन हैंगआउट करते हुए ये दोनों एनसेन के पास आए। एनसेन एक बार में काम करती है और यहीं पर उसका बॉयफ्रेंड भी प्ले करता था। जुलाई वॉशरूम जाती है तब एनसेन और जियामिंग थोड़ा बात करते हैं। एनसेन जियामिंग से पूछती है तुम्हें जुलाई में क्या अच्छा लगता है। जियामिंग कहता है मुझे उसमें सब कुछ अच्छा लगता है। जियामिंग से एनसेन ने पूछा तुम उसे किस हैंड से होल्ड करते हो। इन दोनों ने राइट हैंड आगे किया, फिर एक दूसरे का हैंड ये होल्ड कर लेते हैं। फिर इन दोनों में फर्स्ट मीटिंग के बाद थोड़ी केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। इसके बाद जुलाई यहाँ पर आ जाती है, फिर एनसेन का बॉयफ्रेंड उसके लिए सॉन्ग डेडिकेट करता है। जुलाई ने कहा ये सब क्या है। एनसेन कहती है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो चाहता है मैं भी उसके साथ कंट्री घूमूं। जब तक मैं उसे हाँ नहीं कहती वो हर सॉन्ग मुझे डेडिकेट करने वाला है।
इसके बाद अगले दिन ये सब मिलकर माउंटेन के टेंपल पर जा रहे थे। माउंटेन चढ़ते चढ़ते जुलाई बहुत ही थक गई थी। वो कहती है, तुम दोनों आगे जाओ, वो ज़रा आराम करके आएगी। वो दोनों फिर ऊपर जाकर प्रे करते हैं। एंसेन से जैमिंग कहता है, तुम बहुत ही अजीब हो, वो गॉड पर बिलीव नहीं करते फिर भी चलते इतने ऊपर आ गए। जैमिंग कहता है, अगर आप बिलीव नहीं करते फिर भी आपको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। उसने अपने गले से लॉकेट निकाला और वो कहता है, जब मैं छोटा था तब बहुत ही बीमार पड़ गया था, मेरी मदर ने प्रे करके मेरे गले में ये लॉकेट डाल दिया था, इसके बाद मैं ठीक हो गया और इस वजह से वो हमेशा इस लॉकेट को अपने पास रखता है। ये लॉकेट देखते हुए एंसेन उसके बहुत ही पास आ गई थी। वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है लेकिन जैमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। इस मोमेंट के बाद ये दोनों बाहर आए, तब जुलाई उनका बाहर वेट कर रही थी। ये दोनों से देखकर डर जाते हैं। फिर जिस तरह से जुलाई बिहेव कर रही थी इससे उन्हें लगता है इन दोनों को उसने देख लिया है, फिर भी वो डिसाइड करती है इस सब बात को इग्नोर करेगी। इस दिन के बाद एंसेन ने डिसाइड किया वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पर जाते वक्त जुलाई और एंसेन बहुत ही इमोशनल हो गई थी। एंसेन जुलाई से कहती है, वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। जुलाई ने उससे पूछा, अगर उसने एक दिन तुमसे प्यार करना बंद कर दिया तो तुम क्या करोगी? एंसेन कहती है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम तो हमेशा मुझसे प्यार करती रहोगी। इसके बाद ट्रेन स्टार्ट होती है, ट्रेन के साथ साथ जुलाई भी चल रही थी। तभी उसने एंसेन के गले में जैमिंग का लॉकेट देखा। ये बात एंसेन ने भी रियलाइज की। वो जुलाई से कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकती हूँ। लेकिन जुलाई बहुत ही हर्ट हो गई थी, वो जैमिंग से बहुत ही प्यार करती थी, वो एक पल के लिए भी उसे छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए उसने एंसेन को जाने दिया। इसके बाद जुलाई और एंसेन की लाइफ बहुत ही अलग अलग थी। एंसेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग अलग सिटीज़ में घूमती थी और जुलाई ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। वो और जैमिंग एक ही यूनिवर्सिटी में गए थे। जुलाई भी अपनी लाइफ में चाहती थी कि वो भी एंसेन की तरह अलग अलग सिटी में घूमे, लेकिन उसके जाने के बाद उसे लगता है उसे स्टेबल लाइफ जीनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर चुका था और एंसेन के बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया, फिर उसे छोड़कर वो अकेली घूमने के लिए चली जाती है। अलग अलग प्लेसेस पर न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए नए नए प्लेसेस घूमती है। दूसरी तरफ जुलाई के पेरेंट्स जुलाई को जैमिंग से शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। उन्होंने 3 साल बाद शादी करने का डिसाइड कर लिया। इसके बाद और थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जुलाई को बैंक में जॉब मिल गया था। इसके बाद हम देखते हैं एंसेन की मदर की डेथ हो जाती है और दूसरी तरफ जुलाई को जॉब मिलने के बाद वो बहुत ही स्टेबल लाइफ जीने लगती है। लेकिन जैमिंग ये नहीं चाहता, उसने डिसाइड किया था वो अलग कंट्री में जाकर मास्टर करेगा। वो जुलाई को प्रॉमिस करके जाता है, जब 2 साल बाद ये लौटेगा तब ये दोनों शादी कर लेंगे। जैमिंग के जाने के बाद जुलाई बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई थी। जब वो घर पर आती है तब एंसेन उसका वेट कर रही थी। एंसेन भी काफ़ी जगह घूमकर तंग आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। इतने दिनों बाद एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों के चेहरे पर फिर से स्माइल वापस आ गई थी। एंसेन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो वो एक घटिया से होटल में रहने वाली थी, लेकिन जुलाई उसे एक अच्छा सा रूम बुक करके देती है। इसके बाद वो एक अच्छे से होटल में डिनर करने के लिए आए, तभी एंसेन कहती है, आज मैं ही पे करूँगी क्योंकि तुमने मेरे रूम के लिए पे किया था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं और इन्हें वाइन लेनी थी। तब वो जाती है और कुछ लड़कों से बात करती है, फिर उनसे उसने बैट लगाई कि 20 सेकंड के अंदर पूरी वाइन की बोतल पी गई, इस वजह से उन्हें फ्री वाइन मिल जाती है। ये बात जुलाई को अच्छी नहीं लगती। वो कहती, इतने साल तुम इसी तरह से रहती हुई आई हो। एंसेन कहती है, लाइफ तुम्हें अच्छी और बुरी सारी चीज़ें देती है, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंसेन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए वो खुद सैलेड ले रही थी। इस बात पर जुलाई को गुस्सा आ गया। वो कहती है, मैं पे कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों को इस तरह से चीज़ें बांटने की ज़रूरत नहीं है। एंसेन कहती है, तुमने बहुत सालों पहले ही चीज़ें बांट ली थी, इसका मतलब है जुलाई ने उसे जाने दिया था, वो इसी के बारे में बात कर रही थी। फिर जुलाई भी गुस्सा हो गई। वो कहती है, तुमने भी जो मेरे लिए लेटर लिखा उसके नीचे हमेशा तुमने जैमिंग के बारे में पूछा था, उसने तुम्हें जो लॉकेट दिया था ये तुम अभी भी पहन रही हो। इन सब बातों की वजह से इन दोनों में फ़ाइट हो गई और फिर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। इस सीन के बाद थोड़ा टाइम और गुजर चुका है। एक ऑफिस में जैमिंग और एंसेन मिलते हैं। एंसेन अपनी पिछली ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी तो यहाँ पर उसने एक स्टेबल जॉब ले लिया था। वो कहती है, अब मैं शादी भी करने वाली हूँ। उसका बॉयफ्रेंड मैरिड था लेकिन वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला है। उसने जैमिंग से जुलाई के बारे में पूछा। वो कहता है, हम दोनों सही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जब एंसेन बाहर आई तब एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। ये एक्सीडेंट उसके बॉयफ्रेंड का ही हुआ था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं जुलाई जियामिंग से बात करना चाहती थी, लेकिन आजकल वो बिजी है इसलिए पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देता है। वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही इनसिक्योर हो रही थी। फिर वो एक दिन डायरेक्टली जियामिंग के घर पहुंच गई तो जियामिंग एनसेन को अपने घर पर लेकर जा रहा था। बॉयफ्रेंड के मरने के बाद एनसेन हार्ट ब्रोकन थी, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो जियामिंग ने उसे हेल्प की थी। इन सब बातों से जुलाई बहुत गुस्सा हो गई थी। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है जियामिंग तुमसे प्यार करता है? उसे सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ। जिस तरह से तुम्हारी लाइफस्टाइल थी, उस लाइफस्टाइल में किसी भी आदमी ने तुमसे प्यार नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहे थे। इस वर्ल्ड में तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता। तुम मेरी फ्रेंड थी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुम मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। इसके बाद जुलाई जियामिंग से बात करती है। वो कहती है, मैं 1 मंथ तक तुम्हारा वेट करूंगी। अगर तुम वापस आए तो हम शादी करेंगे, अगर नहीं आए तो फिर ठीक है। फिर एक रात जियामिंग अपने माइंड को क्लियर करने के लिए रनिंग कर रहा था, एनसेन भी उसके साथ थी। फिर जियामिंग ने उससे कहा, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, हम दोनों को बहुत पहले स्टॉप हो जाना चाहिए था। एनसेन ने फिर जियामिंग का लॉकेट उसे वापस कर दिया और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम मूवी को फिर से प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। ये जो स्टोरी अब तक चल रही थी इसे जुलाई ने लिखा था और एनसेन उसे पढ़ रही थी। वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है और तभी हम देखते हैं एनसेन की डॉटर उसके पास आती है। ये लैपटॉप को बंद कर देती है और फिर से फ्लैशबैक में स्टोरी स्टार्ट होती है। इनके झगड़े के बाद जियामिंग जुलाई से मिलने के लिए आया। वो कहता है, मैंने एक अपार्टमेंट रेंट की है, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा पूरी लाइफ मेरे साथ रहो। जुलाई कहती है, ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। जियामिंग अपना अकाउंट उसे दे देता है। वो कहता है, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा ही है। इसके बाद ये दोनों बहुत खुश थे। इनकी शादी का दिन आया लेकिन जियामिंग वहाँ से भाग गया था। इससे जुलाई को बहुत शौक लगा। अब वो अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकती थी, वो अब फ्री थी। वो डिसाइड करती है कि उसे भी एनसेन की तरह अलग अलग प्लेसेस पर घूमना है जैसा वो चाहती थी। उसकी मदर ने उसे कभी सपोर्ट नहीं किया था। वो कहती है, एक औरत की लाइफ हार्ड होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ कभी भी हार्ड ना हो। अब उसने उसे सपोर्ट किया। फिर एनसेन जिन जिन प्लेसेस पर घूम कर आई थी, इन सारे प्लेसेस पर जुलाई घूमती है। फिर फाइनली वो एक दिन एनसेन से मिलने के लिए आई। एनसेन का अभी भी एक स्टेबल जॉब है, एक अच्छा सा घर है जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। ये दोनों अब शादी भी करने वाले थे। उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत स्वीट था। ये दोनों मिले और हैंग आउट किया। इसके बाद जुलाई यहाँ से जा रही थी। एनसेन चाहती थी जुलाई उसके साथ ही रुके, लेकिन जुलाई चाहती थी एनसेन उनके साथ पूरी दुनिया घूमे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में अचानक से जियामिंग के पास एनसेन की डॉटर का कॉल आता है। ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं। एनसेन की डॉटर जियामिंग से पूछती है, क्या तुम मेरे फादर हो? मेरी मदर ने जो भी लेटर लिखे हैं इनके नीचे उसने तुम्हारे बारे में पूछा हुआ था। जियामिंग को ये बात बहुत ही फनी लगती है। एनसेन की डॉटर ने उसे एक बुक दिखाई। वो कहती है, ये मेरी मदर ने लिखा है। जियामिंग कहता है, ये तुम्हारी मदर ने नहीं, उसकी फ्रेंड जुलाई ने लिखा है। एनसेन की डॉटर कहती है, नहीं, मेरी मदर जुलाई के नाम से लिखती है। जियामिंग को शौक लगता है। तभी अचानक यहाँ पर एनसेन भी आ जाती है। एनसेन की डॉटर को घर पर छोड़ने के बाद ये दोनों बात करते हैं। जियामिंग कहता है, तुमने नॉवेल में जो एंडिंग की है ये थोड़ा अलग की है, अब सच क्या है तुम मुझे बताओ। एनसेन कहती है, जब जुलाई मुझसे मिलने के लिए आई थी तब उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। एक्चुअल में जियामिंग वेडिंग से भाग गया था क्योंकि जुलाई ने उससे कहा था वो किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी जो उससे पूरी तरह से प्यार नहीं करता। उस दिन जुलाई और एनसेन ने सारी बातों पर बात की थी। जुलाई कहती है, मुझे हमेशा से पता था तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं बहुत ही सेल्फिश थी, मैंने तुम्हें बहुत ही हेट किया था, लेकिन अब नहीं करती। एनसेन ने कहा, तुम अब क्यों आई हो? वो कहती है, जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अपना सा सिर्फ मुझे तुम्हारे पास आने में ही लगा। इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। इसके बाद जुलाई की डिलीवरी होने तक ये दोनों एक साथ ही रहे। बेबी की डिलीवरी होने के बाद जुलाई अचानक से वहाँ से चली गई। वो उसे कॉल करके कहती है, वो अलग लाइफ चाहती थी, वो बेबी के साथ स्टक नहीं रहना चाहती। उसे पता है एनसेन उसके बेबी का अच्छा ख्याल रखेगी। ये सब सुनने के बाद जियामिंग के आंखों में भी आंसू आ गए। वो एनसेन से परमिशन लेता है, क्या मैं मेरी डॉटर से मिल सकता हूँ? फिर एनसेन ने भी उसे हाँ कहा। ये जो भी उसने जियामिंग को बताया था ये भी झूठ था। एक्चुअल में जब जुलाई ने अपनी
बेबी को जन्म दिया तभी उसकी डेथ हो गई थी। उस दिन एनसन बहुत रोई थी। वो अपने फ्रेंड को इस तरह से सैड एंडिंग नहीं देना चाहती थी। वो अपने माइंड में हमेशा अपने फ्रेंड को फ्री देखती है, अलग अलग प्लेसेस पर घूमता हुआ देखती है। इसी वजह से उसने नोवेल में अपने फ्रेंड को हैप्पी एंडिंग दी। ये नोवेल एक तरीके से उसने अपनी मेमोरी में लिखा था। वो फाइनली अपने नोवेल में लिखती है कि हम दोनों ने एक दूसरे को जीने का तरीका सिखाया। एनसन लिखती है, मैंने जुलाई को सिखाया कि फ्री कैसे रहते हैं और जुलाई ने मुझे सिखाया कि एक स्टेबल लाइफ कैसे जीते हैं। एनसन आज भी अपनी शेडो में जुलाई को देखती है। वो हमेशा उसकी लाइफ का पार्ट रहेगी और वो उसकी बेटी को अपनी ही बेटी मानती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप का मैसेज देकर जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।